नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की मौत से पूरा देश गमगीन है। हर कोई उन्हें याद कर रहा है, लेकिन कुछ मुस्लिम नाम वाले लोगों से सोशल मीडिया हैंडल पर सीडीएस रावत की मौत से जुड़ी पोस्ट पर स्माइली वाली प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिससे आहत होकर फिल्म मेकर अली अकबर ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान किया है। अली और उनकी पत्नी लुसिमा अब मुसलमान नहीं रहेंगे और अब हिंदू धर्म अपनाएंगे। उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए ये बात कही। मलयालम फिल्में बनाने वाले अली अकबर ने कहा कि मुस्लिमों की तरफ से ऐसी हरकत का विरोध इस्लाम के सीनियर नेताओं और धर्म गुरुओं ने भी नहीं किया। देश के बहादुर बेटे का ऐसा अपमान स्वीकार्य नहीं है। अकबर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि उनका धर्म से विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा कि मुझे जन्म के समय से जो चोला मिला था उसे अब मैं उतार कर फेंक रहा हूँ। आज से मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। मेरा ये संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने भारत के खिलाफ हंसते हुए स्माइली पोस्ट की है। हालांकि उनके इस पोस्ट पर कई लोग विरोध कर रहे हैं तो कई उनके सपोर्ट में भी खड़े हैं। बाद में उन्होंने ये पोस्ट फेसबुक से हटा दी है। जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि फेसबुक से उनका अकाउंट नस्लीय बताकर सस्पेंड कर दिया गया। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद भी व्हाट्सएप पर उनका ये पोस्ट वायरल हो गया है। इसके बाद उन्होंने अपना नया अकाउंट बनाया और एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि देश को उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जो सीडीएस की मौत पर मुस्कुराते हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि अली अकबर भारतीय जनता पार्टी की राज्य समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से कुछ असहमति के बाद अक्टूबर में अपना पद छोड़ दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।